हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। तो पहलवान सागर मर्डर केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी पहलवान सुशील को लेकर आज छत्रसाल स्टेडियम पहुंची और क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। पता चला है कि आरोपी सुशील बार बार बयान बदल रहा है। इस बीच फोरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। अब सुशील से सबूत सामने रखकर ही पूछताछ होगी। फिलहाल सुशील पुलिस की कस्टडी में है और आपको बता रहे हैं लगातार किस तरीके से सागर मर्डर केस से जुड़े तमाम अपडेट्स आ रहे हैं। और इस बीच एक अहम खबर, इस वक्त का अपडेट, सागर धनखड़ मर्डर केस में सुशील कुमार से पूछताछ हो रही है। पुलिस रिमांड में सुशील कुमार अलग अलग बयान दे रहा है। छत्रसाल स्टेडियम में दोबारा जांच करने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, जहां पर पूरा सीन जो क्राइम का था वो रिक्रिएट होगा। आज सुबह सुशील कुमार को लेकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंची थी दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम और क्राइम ब्रांच ने पूरे क्राइम सीन का वहां रिक्रिएशन किया। और सागर मर्डर केस में आपको 10 बड़े अपडेट्स भी दे देते हैं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में वारदात का सीन रिक्रिएट किया गया है। आरोपी पहलवान सुशील कुमार के साथ ये पूरा रिक्रिएशन किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इस जांच में जुटी हुई है। सुशील से क्राइम ब्रांच ने वारदात के बारे में सवाल किए। वहीं छत्रसाल स्टेडियम में पुलिस करीब एक घंटे तक रुकी और जरूरत पड़ने पर फिर से आरोपी सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया जा सकता है। क्राइम ब्रांच की टीम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के जरिए जुटाने में लगी है। आरोपी पहलवान सुशील आसानी से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, बयान बार बार बदल रहा है। पूछताछ में सुशील के बयान लगातार बदलते जा रहे हैं। पुलिस अब तमाम सबूत सुशील के सामने रखकर फिर से नए सिरे से पूछताछ करेगी। तो आपको बता रहे हैं जो अपडेट्स इस वक्त की आ रहे हैं, सागर धनखड़ मर्डर केस में सुशील कुमार से पूछताछ हुई है। पुलिस रिमांड में सुशील कुमार अलग अलग बयान दे रहा है। छत्रसाल स्टेडियम में दोबारा जांच करने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, इस वक्त के जो तमाम अपडेट्स हैं सुशील कुमार केस से जुड़े वो हमें दीजिए। बिल्कुल अदिति, बता दूं कि आज क्राइम ब्रांच की टीम आज सुबह 6 बजे के करीब सुशील पहलवान और उसके साथी अजय को लेकर सबसे पहले छत्रसाल स्टेडियम यहां पर पहुंची और यहां पर पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन की। उसके बाद सुशील का जो मॉडल टाउन में जो घर है वहां पर लेकर पहुंची। उसके बाद सुशील को अभी क्राइम ब्रांच के थाने में पूछताछ की जा रही है। उसके बता दूँ कि 5 सदस्य, उसके बाद एक टीम अभी भी छत्रसाल स्टेडियम आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम, एक टीम यहाँ पर है, दूसरी टीम सुशील के घर पर है, तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है। लेकिन 6 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान सुशील कुमार से जब पूछताछ की जा रही है तो वो बार बार अपना बयान भी बदल रहा है। लेकिन क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों का कहना है कि उसके क्राइम ब्रांच के पास तमाम सबूत हैं, वो वीडियो फुटेज है, अब उसको दिखाकर सुशील से पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुशील ने इस बात को भी कबूल किया है कि वो उसे उस दिन नहीं जाना चाहिए था, उस रात को वो कोस रहा है और सुशील कुमार ज़्यादातर टाइम चुप्पी साधे हुए रह रहा है और उसके बाद वो ध्यान और योगा करता है। तो ये तमाम चीज़ें रिमांड के दौरान चल रही है, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम सबूत इकट्ठा करने में जुटी और यही वजह है कि सुशील को लेकर जगह जगह पर गई है, छत्रसाल स्टेडियम में लाया गया। उस घटनाक्रम में उस रात को क्या हुआ था, उस पूरी घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि सुशील ने साफ तौर पर कहा था कि उसे नहीं जाना चाहिए था, उससे गलती हो गई है, तमाम बातों को भी वो कबूल कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि झगड़े के पीछे क्या मोटिव रहा है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम जगह जगह पर पहुंच रही है, जांच कर रही है। छत्रसाल स्टेडियम में अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है, सुशील कुमार के घर पे भी क्राइम ब्रांच की टीम, जो मॉडल टाउन वाला उसका जो फ्लैट है वहाँ पर मौजूद है, तमाम कागजात तमाम चीज़ों को खंगाल रही है ताकि मोटिव क्लियर हो, क्योंकि जो झगड़ा हुआ था झगड़े प्रॉपर्टी विवाद को भी लेकर था, उसको लेकर झगड़ा था, तो जो गैंग से ताल्लुकात हैं उस चीज़ को भी क्राइम ब्रांच एस्टेब्लिश करने में लगी हुई है। अदिति,
जी, और राजू जिस तरीके से सुशील बार बार अपने बयान बदल रहा है तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम के लिए भी उससे कोई भी बात कबूल करवा पाना काफी मुश्किल साबित हो रहा होगा। देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि बार बार बयान बदलना और उसको एस्टेब्लिश करना एक चुनौती से कम नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अब जिस तरीके से जो सबूत हैं, जो वीडियो फुटेज हैं झगड़े के वक्त का, उन तमाम फुटेज के आधार पर क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी ताकि सारे चीज़ को रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। क्योंकि बार बार बयान बदलना कि वो यहाँ पर उसका झगड़ा हुआ था, घर पर उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ था, तमाम चीज़ों को लेकर क्राइम ब्रांच अब सबूत के आधार पर पूछताछ कर रही है। चूँकि 6 दिन का रिमांड लिया गया था, 3रा दिन है, तो जब कोर्ट के सामने सुशील कुमार को पेश किया जाएगा तमाम सबूतों और एविडेंस को भी रखा जाएगा। क्योंकि सुशील के कुमार के खिलाफ 302 का भी मुकदमा इस पूरे मामले में दर्ज है और सुशील की कोशिश है किसी तरह से पुलिस को भटकाया जाए ताकि ये मामला 304 में आ जाए। ये भी एक बड़ी वजह है कि सुशील कुमार बार बार अपना बयान बदल रहा है। लेकिन चूँकि क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से पूरे मामले की जांच कर रही है, हर एक सबूत, हर एक जहां पर शक है और सुबह है, उन तमाम चीजों को सबूतों के जरिए साबित करना चाहती है। और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की टीम बार बार हर एक लोकेशन पे, कल भी कई जगहों पर सुशील कुमार को ले जाया गया और आज सुबह 6 बजे लाया गया ताकि उस पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट कर बतौर सबूत पेश किया जाए कोर्ट के अंदर, ताकि सुशील को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसके बेहद संगीन आरोप है और निश्चित तौर पर ये दो गैंग हैं, जो नीरज बवानिया गैंग, काला जेठारी गैंग, इन तमाम गैंगों से जुड़े उसके क्या ताल्लुकात हैं उसको भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की रहे। और सुशील कुमार ने इस बात को भी आशंका जताई कि काला जेठारी गैंग के से उसे जान का खतरा है और यही वजह है कि जब भी उसको जहाँ ले जाता पूरे सिक्योरिटी के साथ सुशील कुमार को तमाम जगहों पर ले जाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पहलवान सुशील कुमार के साथ इस वक्त जांच कहां तक पहुंची है दिल्ली क्राइम ब्रांच की, वो हम आपको बता रहे थे। और पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार हुए अब 1 दिन बीत चुका है। कल सुशील कुमार और उसके साथी अजय को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। सुशील पर साथी पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का संगीन आरोप है और सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार ने दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में कबूला है कि 4 और 5 मई को वो छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट में शामिल था। अब यह मामला दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। जैसा कि मेरे सहयोगी राजू राज बता रहे थे कि क्राइम ब्रांच बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आगे की जांच अब क्राइम ब्रांच ही करेगी, लेकिन कहानी सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं होती है। सुशील कुमार के जुर्म के दंगल में अब एक लड़की का नाम भी सामने आ गया है। आखिर कौन है वो जिस सफेद रंग की स्कूटी से सुशील कुमार फरार हुआ था, उस स्कूटी से आखिर उस लड़की का क्या कनेक्शन है? जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन में आज हम सुशील कुमार के इस सबसे बड़े राज से भी पर्दा उठा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी की खबर को पूरी दुनिया जान चुकी है, लेकिन क्या आप उस लड़की के बारे में जानते हैं जिसकी तलाश अब दिल्ली क्राइम ब्रांच को सुशील कुमार के ही मामले में शिद्दत से है? आखिर रेसलर सुशील कुमार से इस लड़की का रिश्ता क्या है? हमारा दावा है कि पहलवान सुशील कुमार से जुड़ी ये विस्फोटक खबर आपने पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन जी न्यूज की टीम आज इस राज से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। सबसे पहले आप ये स्कूटी देखिए, सफेद रंग की स्कूटी। जी न्यूज की टीम को पक्की खबर मिली है कि ये स्कूटी उसी रहस्यमयी लड़की की है और 23 मई को सुशील कुमार पश्चिम बिहार से साथी अजय के साथ इसी स्कूटी पर सवार होकर मुंडका के लिए निकला था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम को जानकारी मिली कि सुशील पहलवान एक स्कूटी पर सवार होकर के अपने दोस्त अजय के साथ में इस रोड से गुजरने वाला है और उसी दौरान सुशील पहलवान को और उसके साथी अजय को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने उनको गिरफ्तार।
फिर बहादुरगढ़ के लिए निकलता है। छापेमारी के बाद चंडीगढ़ भाग जाता है, फिर भटिंडा और उसके बाद फिर चंडीगढ़ लौट आता है। इसके बाद तारीख आती है 22 मई। इसी दिन वो गुरुग्राम में एक कारोबारी से पैसे लेने के लिए आता है। इसके बाद यहीं से वो दिल्ली के लिए निकलता है। सुशील कुमार इस लड़की के घर पहुंचता है। यहां से फिर वो 23 मई को लड़की की स्कूटी लेकर दिल्ली रोहतक रोड के लिए रवाना होता है। उसके साथ उसका साथी अजय भी होता है। लेकिन यहां दिल्ली पुलिस के बिछाए जाल में दोनों फंस जाते हैं। दिल्ली पुलिस सुशील कुमार और उसके साथी अजय को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ बोलेंगे सुशील? बोलूंगा जी, बोलूंगा। उसके बाद रोनी कोर्ट के बाद बोलेंगे। झूठे आरोप। इस लड़की के बारे में जी न्यूज को सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। जानकारी ये है कि सुशील कुमार की मदद करने वाली ये लड़की उनसे कुश्ती सीखती थी। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त सुशील के पास जो सफ़ेद रंग की स्कूटी थी, वो स्कूटी इसी छत्रसाल स्टेडियम में सुशील से दाव सीखने वाली एक लड़की की थी। अच्छी जान पहचान होने की वजह से लड़की ने अपनी स्कूटी सुशील को दे दी। अब क्राइम ब्रांच उन तमाम लोगों की जाँच करेगी जिन लोगों ने फरारी के वक्त सुशील की छुपने में मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में शुरुआती जांच में इस लड़की का कोई रोल पता नहीं चला है। लेकिन अब इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच की टीम संभाल रही है। लिहाजा क्राइम ब्रांच 6 दिन की रिमांड पर सुशील कुमार पर पोस्ट अरेस्ट थेरेपी करेगी और बहुत मुमकिन है कि इस दौरान इस लड़की के बारे में भी बड़ी छानबीन हो। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और सुशील कुमार मामले में अब दिल्ली के दो बड़े गैंग्स का नाम भी सामने आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में देंगे। इस रिपोर्ट को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि कैसे सुशील कुमार दिल्ली के सबसे खतरनाक गैंग के संपर्क में आ चुका था और कैसे सागर धनखड़ हत्या केस का गैंग राइवलरी एंगल भी सामने आया है। इस चेहरे को पहचानते हैं आप? नाम नीरज बवाना, दिल्ली एनसीआर में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा। नीरज बवाना पर दिल्ली और दूसरे राज्यों में हत्या, लूट और जान से मारने की धमकी जैसे कई संगीन आरोप दर्ज हैं। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और कहा जाता है कि जेल में रहकर ही वो अपना खतरनाक गैंग चलाता है। पहलवान सुशील कुमार के बारे में हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। कि वो नीरज बवाना के गैंग से जुड़ा था और छत्रसाल स्टेडियम में जिस पहलवान सागर धनखड़ का मर्डर हुआ, वो नीरज बवाना गैंग के जानी दुश्मन काला जढ़ेड़ी गैंग के संपर्क में था। तो क्या ये दिल्ली में दो बड़े गैंग की खूनी लड़ाई भी थी? सुशील और अजय अलियास सुनील, ये पीएस मॉडल टाउन के एफआईआर नंबर 28/21 धारा 302 जो कि अन्य एक रेसलर की हत्या का मामला से संबंधित है, उसमें ये दोनों वांटेड चल रहे थे। सुशील के ऊपर 1,00,000 रुपया और अजय अलियास सुनील के ऊपर 50,000 रुपया का इनाम भी हमने घोषणा किया था। इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको बैकग्राउंड में जाना होगा। रेसलर सुशील कुमार और पहलवान सागर धनखड़ एक दूसरे के करीबी हुआ करते थे। सुशील कुमार पहलवान सागर की कुश्ती की प्रतिभा से प्रभावित थे। सुशील कुमार ने पहलवान सागर को रहने के लिए दिल्ली के मॉडल टाउन में अपना एक फ्लैट भी किराए पर दे रखा था। ये फ्लैट सुशील कुमार की पत्नी के नाम था। पापा कमरा ले रखा है, ने अच्छा पहलवान ना किसने दिलवाया था? कौन पहलवान? सुशील ने कमरा दिलवाया। लेकिन पता चला है कि इसी फ्लैट में सागर के साथ कई अपराधी भी आकर रुका करते थे। दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड बदमाश काला जठेड़ी भी यहां आकर ठहरता था। इसी जानकारी के मिलने के बाद सुशील कुमार सागर से नाराज रहने लगा था। सागर ने सुशील कुमार को 1 महीने का किराया भी नहीं दिया था।
सागर सुशील कुमार को अपशब्द भी बोलता रहता था, जिसके बाद सुशील कुमार ने सागर से फ्लैट खाली करने को कहा था। ये मामला इतना बढ़ा कि सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ 4 मई की रात मॉडल टाउन के उस फ्लैट पर पहुंच गया जहां सागर शराब के कारोबार में पार्टनर सोनू महाल के साथ था। सोनू महाल काला जठेड़ी बदमाश का राइट हैंड है। इसके बाद सुशील कुमार इन दोनों को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर छत्रसाल स्टेडियम ले आया। सुशील कुमार का चचेरा भाई संदीप, नीरज बवानिया गैंग के सदस्य दीपा लाडपुरिया और काला सौदा गैंग के बदमाश प्रिंस दलाल समेत 35 से 50 लोग भी छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गए। सूत्रों का कहना है किसी के बाद दोनों गुटों में खूनी झड़प हुई और इस लड़ाई में बुरी तरह से घायल सागर की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस की गिरफ्त में पहलवान सुशील अब बोल रहा है और वो 4 और 5 मई की रात के उन तमाम राजों को खोल रहा है। सुशील ने पुलिस को बताया कि वो और उसके साथी सागर राणा और उसके दोस्तों को उठाकर छत्रसाल के इसी स्टेडियम में लेकर आए थे। सुशील के द्वारा सागर राणा की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद सुशील अपने घर जाकर सो गया। सुशील का कहना है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पिटाई से सागर राणा की मौत हो जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है, लेकिन चूंकि अब ये मामला दिल्ली एनसीआर के दो बड़े गैंग से भी जुड़ चुका है, इसलिए क्राइम ब्रांच की एंट्री भी हो चुकी है और क्राइम ब्रांच अब इस एंगल से भी मामले की तफ्तीश करेगी। इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करने की एक बड़ी वजह है इस केस से जुड़े लोगों का दो गैंगस्टर के साथ जुड़ा होना। सागर जहां काला जठेड़ी गैंग का करीबी था, तो वहीं सुशील का संबंध नीरज बवानिया के असौदा गैंग से था। क्राइम ब्रांच अब इन दोनों गैंग की भूमिका की भी जांच करेगी। सुशील कुमार की पतन कथा देखकर पता चलता है कि कामयाबी मिलना जितना मुश्किल होता है, उससे ज्यादा मुश्किल होता है उस कामयाबी को बरकरार रख पाना। और कुश्ती में देश का नाम रोशन करने वाला पहलवान सुशील कुमार यही बात समझने में गलती कर गया। नीरज गौड़ और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.